गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़े टाइम के लिए रुके हैं, तो यहाँ पर ये बोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये रील बनाई थी। Hi guys, welcome to our channel again. It is Thirsty Wonders. So अभी सुबह के शायद एक मिनट अभी 6:19 सुबह के, तो एक्चुअली सुबह आज जल्दी उठ चुके हैं। कोहली सबसे आगे उठा है, 4:30 बजे वो उठी है और मैं तो 5:30 बजे उठी हूँ, लेकिन हम लोग का प्लान तो 6 बजे हम लोग निकलेंगे, तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। कहाँ के लिए निकलेंगे? सांग से। दिस इज़ आवर न्यू डेस्टिनेशन। सनसेट के लिए हम लोग ऑलरेडी रेडी है, तो हमारे कुछ दोस्त भी आने वाले, वो कुछ बिहार से अभी रवाना हो चुके हैं, शायद विद इन 10 मिनट दे विल कम इन चौपती। सो चौपती में हम लोग मीट करेंगे। सो आपको दिखा रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेकन विद अस। थोड़ा सा लगेज ज़्यादा ही हो गया, बट चलता है। दिस इज आवर लगेज, इज माई कैमरा बैग एंड ऑल द थिंग्स। And there, this one is laptop, which is required there. And this is my travel bag. There is food item. So, हम लोग इस बार अपना कार लेके जा रहे हैं, तो कार लेके हम लोग माल बाजार तक जाएंगे। तो शायद इस वीडियो को सनसेट की जर्नी को हम लोग बहुत पार्टों में डिवाइड करेंगे। So, बने रहिए हमारे साथ इस वर्चुअल जर्नी में एंड एंजॉय द मोमेंट। That is, we are going to Sangsher. So, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के सामने। चलो चलो। Okay, so our journey has begun to Sangsher. कहाँ पर है Sangsher? कौन से रूट से हम लोग जाएंगे? तो ये आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बताने से वो जो आपका क्यूरियोसिटी है जानने का वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। पर इतना तो है कि ये जो जर्नी ये एक पार्ट में नहीं बनने वाला, क्योंकि एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं होगा। गाड़ी के पीछे ना सेटअप अच्छा नहीं हुआ, वो आपको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वो हमें जहाँ पे हमारे दोस्त आने वाले उधर जाके सेटअप को पूरा ठीक ठाक करना है। ओके, चलिए स्टे विद अस एंड एंजॉय द वर्चुअल जर्नी विद अस। आज कोहली भी बहुत कुछ बकेगा, क्योंकि उसको मैंने स्पेशल ड्यूटी दिया हुआ है कि आज तुम्हें भी बकना है। ओके, am I not correct? Yeah, absolutely. अभी सुबह का 6:32, तो देखिए रोड एकदम मतलब ट्रैफिक लेस है, कोई ट्रैफिक का तो गुंजाइश ही नहीं है। तो हमारा प्लान भी यही था कि सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे, तो या 2.5 घंटा में माल बाजार, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, बंगाली हूँ, थोड़ा 2.5 घंटा उससे भी चलेगा। हाँ, 2.5 घंटा तो समझ ही लेंगे देखने वाले। चलिए हम लोग चौपती आ चुके हैं। अभी यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, थोड़ा सा गाड़ी का भी मॉडिफिकेशन हुआ है, आप थोड़ा देख लेंगे। तो दोस्त लोग भी आ चुके हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। चलिए अभी निकलते हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं। हमारे एनिवर्सरी बैलून गुला छिलो वो बोले लगा दिया। यस, एनिवर्सरी बैलून गुला छिलो ना, मेरे को भाई भाई चलो नहीं चलो नहीं, लेकिन लगा ले सकल उठे हमने लगाया हम मान जाओ लगा और Guys, now we are on the national highway. तो इधर से हमें सिर्फ सीधा ही जाना है, मतलब कोई दाएं बाएं मुड़ने का सवाल ही नहीं है। अभी तक सीधा चलते रहो, फिर जाके टायर की तरफ हमें लेना है, वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ से सीधा ही जाना है। और ये सुनने वाली राइड है, तो उसे भी एंजॉय करना है।
सीधा इनिश 21 से आ रहे थे तो हमें राइट साइड लेना है, राइट साइड लेके हमें इनिश 17 में एंटर करना है। तो इधर से हम लोग बिन्नापुरी होके निकलेंगे। तो यहाँ पर जो स्पेशलिटी है आपको टी गार्डन दिखाई देगा। हाय गाइस, सो नाउ वी आर ऑन द रूफटॉप, आई थिंक व्हिच इज दिस वन, माल बाजार। सो आई थिंक इट विल टेक 45 मिनट्स टू रीच देयर, एंड मिनिमम एक्चुअली मैक्सिमम 45 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स यू कैन रीच देयर। सो उधर जाके हम लोग मोटी रिवर के ऊपर मतलब उसको क्रॉस करके जहाँ पे हम लोग गाड़ी रखने वाले हैं, और उधर से ही हम लोग का जो ड्राइवर है वो हमें हमारे जो डेस्टिनेशन है सनसेट की तरफ लेके जाएंगे। और आप तो देख लीजिए हम लोग का कंडीशन बाकी होता पहले किसी बोलो बाद में क्या नो अरे मोन वो तो कुछ हो ना कंजेस्टेड एरिया। ओ माय गॉड कंजेस्टेड, एक प्रत्युषा मुख्य वालों को दिखाई दियो पढ़े इधर बाइक दर्शन बोले तो पेशेंट पार्टी আমরা তিন জন হচ্ছে ঠিকঠাক পার্টি ঠিকঠাক আমি কন্ডাক্টর ও হচ্ছে কন্ডাক্টর কালাসি কন্ডাক্টর এ 12 নিকালো রে বাবা সব পকেট মে যা রে सुबह का जाने का मजा ही अलग होता है। तो आपको ये रो ऑफ ट्रीज और ये जो एकदम एम्प्टी रोड उसमें आप थोड़ा सा तो संभालना ही पड़ेगा क्योंकि आपका जो एक्सीलेटर वो डरते रहता है, लेकिन संभल के अगर आगे बढ़े तो ये नेचुरल व्यू जो है ये बहुत ही सुंदर है। और अगर आपको कोई दूर जाना है तो शायद सुबह का जर्नी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आपके गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़े टाइम के लिए रुके हैं। तो यहाँ पर ये बोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बाताबाड़ी यहाँ से 13 किलोमीटर, शिलीगुड़ी 69 किलोमीटर, मालबाजार 16 किलोमीटर और चालसा 9 किलोमीटर। मतलब हमें सिर्फ चालसा तक जाना है, फिर जहाँ से हमारा ड्राइवर मतलब हम लोग को पिकअप करेंगे उसके घर में ही रखना है। सो हियर वी आर यू कैन सी तो सुबह के जगह मतलब इस सब जाने के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम लोग गोरुमारा फॉरेस्ट के बीचों बीच से जो रास्ता गया है उधर से होकर मूर्ति के नदी के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे जो कार रखने का जो जगह है वो उधर ही है। एक्चुअली हमें बताया गया कि उधर पहुंचना है तो हमने ये रूट लिया क्योंकि हमें पता है ये पीछे से शायद हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि पहले ये रूट मैंने नहीं लिया था। तो चलिए देखते हैं, लेकिन ये रूट तो वही है जहाँ से हमें जाना है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा मतलब फॉरेस्ट के अंदर से। चिलापाता में तो हम बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन
किया के फॉरेस्ट के मैं ज़्यादातर ड्राइव नहीं किया तो अच्छा ही लग रहा है. सो स्टे विद अस एंड सी दैट वेयर दिस यू नो रूट लीड अस टू. गाइस ऑलरेडी हम आ चुके हैं हमारे मूर्ति ब्रिज जो हमें आना था, तो इधर से शायद सामने वो जगह है जहाँ पे हमें अपना कार रखना है. तो चलिए हमारे साथ देखें कहाँ पर कार रखना है. हाय गाइस, सो यहाँ पर हम लोग अपना गाड़ी रखे हैं. वो मूर्ति नदी के आसपास ही एक रिसोर्ट है, आयुष रिसोर्ट शायद उनके ही साइड में, जहाँ से हम लोग अब यहाँ से गाड़ी लिए तो उधर ही अपने अपना गाड़ी रखा. तो उधर से हम लोग अभी जो हमारे रेंट में लिया हुआ गाड़ी है बोलेरो, सो इसको लेके अभी हम जाएंगे. तो हमारा जो जाने का रूट है वो माल बाजार से होकर लाभा गोरुबाथान रूट होके हम निकलेंगे. तो जाने के समय बहुत सारे व्यू मिलेगा, तो हर शायद एवरी व्यू में तो हम लोग नहीं उतरेंगे, लेकिन कुछ व्यू है जहाँ पर हम लोग उतरेंगे. तो नाउ एवरीबॉडी इज ब्रेमिंग विथ एनर्जी. हम लोग को थोड़ा सा तो लेट हो गया क्योंकि एक घंटा पहले हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग. यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया था, तो नाउ इट्स शॉर्टेड. देखिए आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी उसका एनर्जी डाउन हो चुका है. एनर्जी ड्रिंक चाहिए? नहीं चाहिए. हेलो, कहाँ का दवा है? ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको ये मूर्ति रिवर है. कहाँ दवाई जोन? दवाई दवाई. और ये जो हम वहाँ पर मतलब कुछ देर के लिए रुके थे, ये मूर्ति नदी के साइड में हम लोग रुके हैं. और दो दवाई है कि खन खाए और जो गुलाबी वाला है नहीं. तो चलिए स्टे ट्यून ऑन एंड गुलाबी वाला एंजॉय द वर्चुअल जर्नी विद अस. और बस आप सिर्फ देखते रहिए ये नज़ारा, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए. इट्स वंडरफुल साइट टू बी ऑन. और बहुत दिन बाद ये मिल रहा है हम लोगों को, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लॉकडाउन में ना हम लोग मतलब बोर हो चुके थे कि बाहर मतलब कुछ टाइम के लिए. और हमें एक चीज़ है जो खींचा था नहीं वो चल रहा है, मतलब जो भी. अभी हम लोग पापड़ खेती में है, शायद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है पापड़ खेती. तो बहुत जल्दी हम लोग उधर भी पहुँच जाएंगे. यू जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, वाओ. मतलब मुझे ज़्यादा पहाड़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये सब जगह मतलब दिख के बहुत ही अच्छा लगता है. इट्स अ वंडरफुल साइट. और यहाँ पर जो रोड आपको पता ही है कि पहाड़ के जो रास्ता है वो BRO मतलब ये वही वो देखते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सुंदर है, सामने देखिए पाइन दिखा रहा है. लुक एट द लेफ्ट साइड क्वेली.
हाय फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर इन पापड़ खेती। एक्चुअली हमारे जो रूट है वो हम गुरु बाथानों के लावा होके जा रहे सनसेट। सो ये पापड़ खेती ये जगह थोड़ा सा हॉल्ट करने के लिए है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत गाड़ी हॉल्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टिफिन ऑलरेडी हमने टिफिन कर चुके थे मूर्ति के आगे में। सो वी डोंट वॉन्ट टू यू नो हैव फूड हियर, बट एटलीस्ट नाउ वी हैव सम टाइम हियर बिकॉज आवर ड्राइवर यू नो इज टेकिंग फूड। सो वी आर एंजॉइंग हियर एंड सो स्टे विद अस एंड एंजॉय द व्यू। एक्चुअली व्यू बोल के तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यू कैन सी दैट ओनली द रिवर्स व्हिच इज फ्लोइंग देयर। तो यही व्यू है, यही देखना है। लेकिन वो क्या होता है कि इतना दिन तक हम लोग घर में रहे और कोई जगह पे अगर गया भी तो वो सिर्फ एक दिन के लिए, शायद नाइट भी हमने स्पेंड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर वो हमें मिल रहा है कि हम लोग पूरा दो नाइट यहाँ पर स्टे करने वाले जहाँ पर जा रहे, तो फीलिंग से अलग है यहाँ पर एंड वी आर एंजॉइंग। सो देख सकते हैं दिस इज आवर फुल ट्रिप। तो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है, चलिए देखते हैं क्या है इधर। ओके, तो देखिए हम लोग वो व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। समथिंग, चलिए थोड़ा सा। तो एक्चुअली ये व्यू पॉइंट है, बनाया गया है, यू कैन सी। सो फ्रॉम हियर द बीच कैन बी शोन, आई विल शो यू, डोंट वरी। सो बीच, गाइस तो मैं पहले आपको बोल चुका था कि मैं पहले आपको नहीं बताऊंगा सांगसेर कहाँ पर है। तो चलिए अब तो हम लोग पहुँचने वाले हैं सांगसेर। तो आपको बता देते कि ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल हैमलेट इन नॉर्थ बंगाल, हिमालय फॉरेस्ट में ही है, कलिम्पोंग के करीबी है। और ये जो जगह है टूरिस्ट के लिए इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि आप सांगसेर में किसी भी होमस्टे, ज़्यादा होमस्टे है नहीं, लेकिन किसी भी होमस्टे के लॉन में खड़ा होकर माइटी कांचनजंगा को आप देख पाए। और एक चीज़ है कि आप यहाँ से नीचे जो तीस्ता बह रही है उसको भी आप देख पाएंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बर्ड्स, फ्लावर्स, वो तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे ही। लेकिन ये दो खासियत मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डालने वाला हूँ कि कैसे ये दो चीज़ें आपको नजर आएगा यहाँ से। और थोड़ा सा संक्षेप के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर जो यहाँ का जो हाइट है ये 4000 फीट है सी लेवल से, और ये 80 किलोमीटर है सिलीगुड़ी से। अगर कालिम्पोंग से अगर आप आए तो ये कालिम्पोंग से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। रास्ता थोड़ा सा अननोन रूट है क्योंकि सांगसेर शायद किसी को पूछने से ठीक ठाक बताया नहीं, लेकिन आपको अगर गूगल में सर्च करके आ जाए तो आ सकते हैं। यहाँ पर के होम स्टे कौन से है थोड़ा आगे। थैंक यू भाई, हंगल को कब से सुन रहा हूँ, थोड़ा आगे गूगल भी बोलता है थोड़ा आगे। और कोयली गूगल तो हमने पूछा ही किससे लेके। हाँ फाइनली हमें के होम स्टे मिल गया आफ्टर यू नो आफ्टर हरकुलियन टास्क ऑफ फाइंडिंग इट। ये घुमाने जावे तार खोला, देखो लास्ट तार खोला टे इफेक्ट कर लो। बस Hi, so at last we have reached KK Homestay. So now we'll take our luggage, so then after that are exhausted after a long journey because it took a long time to reach here. But here the beautiful sight you will see, I will tell you. See the flower there. It's wonderful. See the wonderful flower there. Oh,
चलो।